बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पिछले करीब 3 दशकों से इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। अपने लंबे करियर में एक्टर ने एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। एक वक्त था जब सलमान को हिट फिल्मों की कुंजी कहा जाता था। हालांकि पिछले कुछ समय से सलमान कोई हिट फिल्म नहीं दे पा रहे। फैंस बेसब्री से सलमान को एक अच्छी कहानी में देखने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब खबर आ चुकी है कि सलमान ने अगली हिट के लिए एक बार फिर से करण जौहर से हाथ मिला लिया है। बता दें कि सलमान खान और करण जौहर ने पिछली बार 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है में एक साथ काम किया था। अब 25 साल बाद दोनों की जोड़ी बनने जा रही है। हालांकि खबरों की माने तो करण जौहर इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही फिल्म के निर्देशन की कमान मशहूर साउथ डायरेक्टर विष्णु वर्धन संभालने जा रहे हैं। विष्णु इससे पहले बॉलीवुड फिल्म शेरशाह भी डायरेक्ट कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सलमान, करण और विष्णु पिछले करीब 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो अब अपने फाइनल मोड पर आ चुकी है। अगर सब ठीक रहा तो कुछ महीनों में सलमान इसकी शूटिंग भी शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए सलमान को खुद पर भी काफी काम करना होगा। उन्हें अपने लुक के लिए भी खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। वही खबरों की माने तो सलमान खान की ये अनटाइटल फिल्म 2024 में क्रिसमस के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है। वही आपको बता दें कि सलमान खान इस समय अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में एक बार फिर एक्टर कैटरीना कैफ के साथ नजर आने वाले हैं। इनके अलावा फिल्म में इमरान हाशमी भी दमदार अंदाज में दिखेंगे। वही शाहरुख खान का कैमियो रोल भी फिल्म में देखने को मिलेगा।